हाय गाइज, अपनी हर बड़ी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए ए टू जेड न्यूज लाइव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। आपका अपहरण कर लिया गया था? नहीं सर। क्या बात हुआ था बताइए तो? अपहरण नहीं किया, अपना मन से चल गया फूफा खाना। ये कब की घटना है? 13 तारीख को। कौन महीना? 5वां महीना। काहे चले गए थे फूफा के यहाँ? मारता पीटता था सर, चल गए। कौन मारता पीटता था? रंजन सर। बराबर मारता पीटता है तब? काहे, कुछ उसका वजह? इसी तारीख पी के आता है तो मारता है, बोलता है ऐसा वैसा करता है। तो बच्चे भी हैं आपके पास? हाँ। तो बच्चे लोग कहाँ हैं? घर पे। उसको साथ में नहीं ले गए? नहीं। अपने पति के पास आना चाहते हैं? नहीं। पति आपसे संपर्क किया आने के लिए? नहीं। क्या बोलता है? बोलता है नहीं रखेंगे। आप रहना चाहते हैं? नहीं। फूफा के यहाँ कितना दिन से रह रहे हैं? 1 महीना से रह रहे हैं। यहाँ से गए तो डायरेक्ट फूफा के यहाँ चले? हाँ, तो फूफा कुछ बोले आपको? नहीं बोले। पास में रख रहे हैं? हाँ, रख रहे हैं। इधर गांव के लोग विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ कहाँ कर रहे हैं। केस जो किया है जिस आदमी पर वार्ड सदस्य पर आरोप लगाया हो, वो निर्दोष है कि दोषी है? निर्दोष है। वो आदमी आपको नहीं ले गया था उठा के? नहीं सर, नहीं ले गया था उठा के। बोलते थे राजकुमार बोलता है कि मार देंगे, फल्ला करेंगे, रंडी भोसड़ी लगातार बोलते रहता है, फोन पे गाड़ी देता है। राजकुमार कौन है? सरपंच है पुरन का। पति मारपीट करता है तो आप प्रशासन का मदद लिए हैं, लिख के दिए हैं कहीं? दिए हैं, नहीं लिया है। नहीं लिया? कहाँ दिए थे? यहाँ दिए थे। कौन थाना में? पियर थाना में सर। हमको कोई भगा के नहीं लिया, अपना मन से दिए। कोर्ट में लिख के दिए हैं क्या? हाँ दिए। प्रशासन को भी दिए? हाँ दिए। कोर्ट को क्या लिख के दिए? वह दिए हैं कि जो हम नहीं, हमको नहीं भगा के ले गए हैं, अपने से गए हैं, अपना राजी से रह रहे हैं। और यहीं रहना चाहते हैं फूफे के यहाँ? हाँ, हम यहीं रहना चाहते हैं। सब दिन रहेंगे? घर वापस नहीं जाना? नहीं जाएंगे वापस। हम बच्चे को साथ रखना चाहते हैं? नहीं रखना चाहते हैं। नाम हुआ आपका? संजू देवी। क्या नाम हुआ आपका? नाम रविचंद सहनी हुआ। वार्ड सदस्य आप ही हैं क्या? जी। आप पर एक महिला के भगाने का आरोप है, क्या मामला है, रियलिटी क्या? हमारा एक महिला के भगाने का आरोप था, तो हम तो 13 तारीख को लड़की भागी थी, 12 तारीख को पटिशन दिया, तो लड़की को हमको बोला कि लड़की कहाँ गया, तो पूछते पूछते गए और फूफा कन था, तो वहाँ पर पियर थाना को हम बात कराया कि लड़की यहाँ है, अपना बरामद कीजिए, तो बोला पियर थाना इससे भी बात कर रहे थे संजू देवी से, तो बोला कि तू मालिक है कि हम मालिक है, इतना ही पर बात रह गया। उसके बाद ये अपना केस उस कर दिए, 17 तारीख को केस किए। उसके बाद हम लोग अपना भागल थे पुलिस के डरे, भागने के बाद में विरोध मुखिया जब आता था तो बोलता था दूरा पूरा इसी तैसी करके जाता था, अब बराबर केस में उनको फंसाते रहता है। इससे पहले महीना में 135-17 छेड़खानी केस में फंसाया था, उसमें इंस्पेक्टर साहब हमको सुपरविजन में नाम छाटे थे। बराबर एक सबके यही काम है कि उससे केस करवाना, और राजकुमार पासवान भी रहता है, दोनों जोड़े। इसलिए कि इस चर्चा इसलिए हुआ कि एक खड़ंजाम किए थे ब्रह्म स्थान 150 फीट, उसमें मुखिया कमीशन मांग रहा था, कमीशन हम नहीं दिए, इसी पर बराबर हमको केस करवाते रहते हैं, झंझट झंझट करते रहता है। तो हम तो आथर में रहती थी फूफा के यहाँ, जब कोर्ट में अपना बेल फाइल किए तो वकील बोले कि लड़की के कहाँ है पता लगाओ, तो पता लगाया तो वहाँ हमारा बहन रहती है आथर में हमारा बहन रहती है, वहाँ गए थे, सारी बात बताए कि अपना मर्जी से सुरक्षा से कोर्ट में जाकर वकील साहब के स्तर से जज साहब के यहाँ बयान दिए, उसी आधार पर हमको बेल हुआ। उसके बाद रिकॉल देने गए थे थाना पर, थाना प्रभारी बोला कि बेल कैसे हो गया, बोले कैसे हुआ, लड़की बयान दिया उसी के आधार पर हुआ है, बराबर झूठ वूठ केस करते रहते। हम भी एक आवेदन दिए कि झूठा मुकदमा है उस पर भी कराई किया जाए, तो थाना प्रभारी हमको वहाँ से बिलगा दिए, तो बड़ी पुलिस अध्यक्ष की यहाँ आवेदन दिए हैं, अब इस पर थाना प्रभारी क्या कार्रवाई करते हैं। बराबर मुखिया का यही काम है कि हमको पीछे लग के केस मुकदमा करवाते रहते हैं, दरकूस से दरकूस से। महिला को आप लेके नहीं भागे? नहीं, महिला को हम लेके सर नहीं भागे। जो आरोप लगाया गया है वो सब झूठा है सर। आप कहाँ रहते हैं अभी? अभी हम घर पर रहते हैं।
अपने घर पर जी। महिला कहाँ रहती है? महिला आथर में फूफा के यहाँ रहती है। वो आपके संपर्क में रहती है कि नहीं? वहाँ पर हमारा बहन रहता है, बातचीत करते हैं तो बात होता है। वो आपके रिलेटिव लगती है जी। हेलो दोस्तों, गांव से शहर तक की हर बड़ी व एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप अपने पसंदीदा चैनल A to Z News Live.com लाइक शेयर एंड फॉलो करें।